हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, आज मैंने बनाया है एक इमरजेंसी लाइट जो कि खराब पेन से बना हुआ है। मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ लाइट्स को ऑफ करके। ये देखो, आप इसकी लाइट को देख सकते हो। इसकी जो ब्राइटनेस है वो कुछ ऐसी हमें देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी इजीली से आप इसे बना सकते हो। तो चलो मैं आपको इसे बना करके दिखाता हूँ क्या क्या कंपोनेंट लगेगा, वो सभी आपको अभी पता चल जाएगा। लाइट को बनाने के लिए सिंपल सा ट्रिक है कि हमें यहाँ पर पेन की जरूरत पड़ने वाली है। आपके पास पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट वाला होगा तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो देखो, फिलहाल मेरे पास ये दो पेन है। अब ये दोनों पेन की जो हमारे जो कवर है या इसके अंदर की जो लीड है उसे हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको धीरे से इसे प्रेस करना है और ये बाहर निकल जाएगा। देख लो, हमें दोनों तरफ से हमें निकालना होगा, यानी कि इसके पीछे का केप भी निकालना है और आगे का फ्रंट वाला केप भी। ये थोड़ा टाइट होगा, आगे वाला तो निकल जाएगा आसानी से, लेकिन ये पीछे वाला थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइट देखने को मिलेगा। देखो, ये मैंने निकाल लिया। अब सेम उसी तरीके से दूसरे वाले को भी निकाल लेते हैं। ये मैंने पूरा यहां से इसे खाली कर लिया है। अब यहाँ पर हमें लेने होंगे कुछ एलईडी जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पर मैं टोटल चार एलईडी को यूज करने वाला हूँ जो कि व्हाइट कलर की है। आपको जिस कलर में यूज करना है उस कलर की आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। मैं फिलहाल मैं आपको एक एलईडी को अभी फिलहाल टेस्ट करके दिखा देता हूँ, वरना आप लोग बोलोगे भाई कोई तो मिस्टेक तो हो नहीं रहा है। देखो, ये व्हाइट कलर की एलईडी है। इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो मैं आपको ब्राइटनेस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, आप इसकी ब्राइटनेस को देखो, आपको एक नंबर का ब्राइटनेस आपको इस पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर चार एलईडी है तो चार हमारे हिसाब से दो पेन है और दोनों पेन के मैंने आगे और पीछे का भाग मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पर एलईडी को इस पर सिंपली लगा देंगे। लेकिन रुको, आप लोग सोचोगे भाई हम तो आजकल ये प्रोजेक्ट ऐसे देखते नहीं है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट पर हम कोई भरोसा नहीं करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा क्योंकि अगर आप सोने जाते हो या पढ़ाई करते हो तो उस कंडीशन पर आपको ये छोटा सा लाइट काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। ये 3.7 वोल्ट की बैटरी से ऑपरेट होता है और साथ ही ये रिचार्जेबल भी है। तो आप लास्ट तक बस वीडियो को देखते रहना। अब यहाँ पर हमें लेना होगा कुछ इस तरीके का कॉपर वायर। आप यहाँ पर चाहो तो मोटर की जो वायरिंग होती है आप उसका भी यूज कर सकते हो। मेरे पास ये है तो मैं इसे यूज करने वाला हूँ। अब आप देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों तरफ से जो एलईडी है उसे मैंने चिपका दिया है। और देखो, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अभी अगर आप देखोगे तो बीच बीच में जो स्क्रीन है वो आपको मतलब एक तरह से फ्लेम टाइप का दिखेगा, तो वो कोई इफेक्ट नहीं है। ये गर्मी की वजह से हो रहा है और गर्मी के हिसाब से आपको पता है कि आपका जो फोन था वो काफी लैग करता है, काफी ज्यादा गर्म भी हो जाता है। तो यहाँ फिर फैन तो चल रहा है बट फिर भी यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी है। और मैंने इस पर एक वीडियो भी मैंने बना दिया है जो आप चेकआउट जरूर से कर सकते हो। बोलोगे भाई आप जब खुद अभी गर्मी से देख रहे हो कि गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है तो आप हमें कैसे बना करके दिखा दे रहे हो, तो मैंने अपलोड कर दिया है। मैं यूज अभी भी कर रहा हूँ, उस वीडियो मैंने आपको बताया भी था। फिर छोड़ो, वो अलग बात हो गई, मैं आपको इसी टॉपिक पर मैं बात करके बता देता हूँ। देखो अभी यहाँ पर देखो तो ये एलईडी को मैंने यहाँ पर चिपकाया है, साथ ही यहाँ पर दो वायर को मैंने लगाया। शुरू में मैंने बोला कि एक वायर को लगाने के लिए, अब यहाँ पर दो वायर की जरूरत पड़ने वाली थी। तो यहाँ पर दोनों जो वायर है ये दोनों हमारा इन दोनों टर्मिनल के साथ लग जाएगा, जिससे ये दोनों एलईडी पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा और ये अच्छी तरह से वर्क भी कर पाएगा। तो इस साइड के वायर को हमें इस साइड पर लगाना है और इस साइड के वायर को हमें इस साइड पर लगाना है। तो सेम बस इतना कनेक्शन करना है और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी मैं कर लेता हूँ। अभी मैंने वायर को कुछ इस तरीके से सोल्डर किया, जैसा कि आप देख पा रहे हो, पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ इस तरीके से सोल्डर करना है, ये क्लियर है। अब हमें इसका पावर सप्लाई बनाना पड़ेगा। पावर सप्लाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सामानों को पहले से मैंने ले लिया है, जैसे कि सबसे पहला तो हमारा ये पीवीसी पाइप है और इस पीवीसी पाइप पर मैंने यहाँ पर मुझे फिट करना है। तो क्या क्या कंपोनेंट लगेगा वो भी मैं आपको स्पीड में बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर एक बड़ा होल है जिस पर एक स्विच लग जाएगा। आप छोटे स्विच का यूज कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। एक यहाँ पर पावर बैंक का छोटा सा मॉड्यूल लेने वाले हैं और एक यहाँ पर बैटरी को यूज करने वाले हैं। जैसे कि ये देख सकते हो, ये है 1850 की बैटरी, बट यहाँ पर देखो ये थोड़ा प्रॉब्लम मुझे हो गया है। क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पर हम फिट करते, देखो स्विच के पास पर ये आ जा रहा है और यहाँ पर स्विच को जब हम इसे पेंट करेंगे तो ये यहाँ पर नहीं लग पाएगा। और क्योंकि पावर बैंक मॉड्यूल भी है तो इसका साइज यहाँ पर आ जाएगा इतना, और सोचो ये देखो ये कुछ इतना गैप ये ले लेगा। तो इस वाले बैटरी को हम यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं। इसी जगह पर मैंने सोचा है क्यों ना अभी फिलहाल आपको टेस्टिंग चेक करने के लिए मैं यहाँ पर छोटी वाली बैटरी का यूज करने वाला हूँ। तो
तो इस वाले बैटरी को हम यहाँ पर यूज करेंगे, जिसकी आप एम एच एम्पियर सभी यहाँ पर देख सकते हो, 3.7 वोल्ट और 200 एम एच की है। और यहाँ पर देखो एंड कैप दो पीस हमें लेने होंगे, एक तो यहाँ पर पावर बैंक के साइज का मैंने कट कर लिया है और दूसरे पर मैंने यहाँ पर दो होल कर दिया है। ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा ये किस लिए मैंने होल किया। तो चलो सबसे पहले इसका जो कनेक्शन है वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको पावर बैंक का जो कनेक्शन है वो मैं क्लियर करके बता देने वाला हूँ। देखो आप चाहो तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वायर का यूज कर सकते हो, बट इस वाले प्रोसेस को देख लो आपके लिए काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा। अगर सबसे पहले आप पावर बैंक पर देखते हो तो इस वाले पॉइंट से देखो, ये है हमारा पॉजिटिव और ये है हमारा नेगेटिव। पॉजिटिव वाला पिन देखो तो यहाँ पर बीच वाले जो पूरा जो एल्यूमिनियम का जो आपको पत्ती देखने को मिल रहा है, ये होल देखने को मिल रहा है, इस वाले पर ये दोनों एक साथ शॉर्टेज है और नेगेटिव का पॉइंट हमारा अलग है। तो जैसे कि ये हमारा बैटरी है तो बैटरी के देखो नेगेटिव और पॉजिटिव काफी सामने है, तो हम क्या करेंगे इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे ये पॉजिटिव साइड का है तो पॉजिटिव साइड का हमारा डायरेक्ट इस बीच वाले पिन पर लग जाएगा और जो नेगेटिव है वो हमारा यहाँ पर लग जाएगा। तो सेम इसे पीछे की साइड से करके यहाँ पर इस तरीके से इसे सोल्डर करते हैं। ये मैंने सोल्डर कर दिया। अब यहाँ पर इसके आगे कनेक्शन करेंगे, उससे पहले हमें यहाँ पर दो इस तरीके के वायर का यूज करना पड़ेगा और इन दोनों वायर को हमें पावर बैंक के नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ सोल्डर करना होगा। अब देखो ये हमारा यहाँ तक का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा सा स्क्रीन को यहाँ पर वापस से लाते हैं। अब देखो ये जो हमारा पीवीसी पाइप है, इस पीवीसी पाइप पर हमें इसे फिट करना पड़ेगा। फिट करने का सिंपल सा ट्रिक है कि आपको यहाँ पर इस वाले वायर को कुछ इस तरीके से यहाँ पर डालना होगा, बैटरी को भी यहीं पर इस तरीके से फिट करना होगा और यहाँ पर इसे एंड कैप की सहायता से लगा देना होगा। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पर जो दो वायर है, दो वायर में से एक वायर को हमें कट करके स्विच को इस पर लगाना होगा। मैंने यहाँ पर पॉजिटिव को कट किया है, नेगेटिव वाला पिन को मैंने वायर को मैंने छोड़ दिया है। अभी इसे यहाँ पर डायरेक्ट लगा देते हैं और इसका जो एंड कैप है उसे भी इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। देखो मैंने यहाँ पर इसे चिपका दिया। अब इसके आगे का काम क्या है, डायरेक्ट एलईडी को फिट करना है। लेकिन एलईडी से पहले देखो ये है हमारा नेगेटिव, ये है हमारा पॉजिटिव, ये आपको बताना जरूरी है। अब यहाँ पर जो हमने एंड कैप लिया था ऊपर पर, मैंने यहाँ पर दो होल किया हुआ था, तो इससे पहले रखते हैं साइड पर जो हमारा पेन है, उन दोनों पेन को हम यहाँ पर ले आते हैं, थोड़ा सा जूम इन करते हैं, हटाते हैं। अब देखो अब ये जो दोनों होल है इन दोनों पर हमें इसके वायर को पास करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। देखो ये पास हो चुका है, अब इसे हमें यहाँ फेविक्विक की सहायता से चिपकाएंगे दोनों को, एक हमें यहाँ पर चिपकाना है, दूसरा हमें यहाँ पर चिपकाना है और उसके बाद इसका कनेक्शन करना है पैरेलली, जो आपको पहले से पता है पैरेलली कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये कनेक्शन हो जाएगा। पैरेलल कनेक्शन करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के वायर को इस पर इसके साथ सोल्डर कर देंगे। बस इतना करने के बाद इसे थोड़ा सा पेंट करते हैं, डेकोरेट करते हैं और फिर मैं आपको डायरेक्ट इसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ। भाइयों अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा बन करके कंप्लीट हो चुका है, पैरेलली मैंने कनेक्शन किया हुआ है, बाकी का कनेक्शन तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। यहाँ पर स्विच लगा हुआ है जिससे हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो मैं आपको अभी टेस्ट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले इसे हम चेक करते हैं चार्जिंग करके, चार्ज हमारा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। छोटा बैटरी है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो देखो मैं यहाँ पर आपको चार्ज करके सबसे पहले दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पर चार्ज पर लगाया है, देख सकते हो कि यहाँ पर जो लाइट है वो ग्लो करना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि हमारा ये चार्जिंग मोड पर चला चुका है। अब चलो इसे अभी फिलहाल तो करते हैं डिस्कनेक्ट, क्योंकि हमें यहाँ पर आपको अभी टेस्ट करके दिखाना है बाकी सामानों को भी। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ, बैकग्राउंड को पहले ऑफ करते हैं। तो भाइयों अभी मैंने आपको इसे चार्ज करके दिखा दिया, अब मैं आपको इसे फाइनली टेस्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले कितना इसका ब्राइटनेस है, ये देखो इसका जो ब्राइटनेस है वो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। अब चलो मैं आपको लाइट्स को ऑफ करके दिखाता हूँ। ये देखो लाइट जो है वो पूरा ऑफ हो चुका है। अभी मैं अगर इसे चलाऊं तो यहाँ पर इसकी लाइट को है वो आप देख सकते हो। अब मैं पूरी लाइट को ऑफ कर रहा हूँ, ये देखो अब ये पूरा लाइट ऑफ हो चुका है, सिर्फ ये लाइट जो है ये ग्लो कर रहा है और आप मेरे फेस को इजीली से देख पा रहे हो। ये देखो इसकी लाइटिंग कुछ ऐसी है, अगर बैकग्राउंड पर मैं चलाऊँ तो अगर आप यहाँ पर देख लो लगभग देखा जाए तो आपको क्लियरली दिखेगा। ये देखो पूरी तरह से यहाँ पर क्लियर दिखेगा। अब आप इसे चाहो तो आप इसे बना सकते हो, क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो आप इसे ज़रूर बनाना। इस पर जो भी सामान मैंने यूज़ किया वो सभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा देखने को, तो आप इसे ज़रूर से बनाना और कैसा लगा प्रोजेक्ट वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलो गाइस मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।